लोहरदगा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक बार फिर लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन को जोरदार झटका दिया है। नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ 150 बटालियन और लोहरदगा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सरेंगदाग थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। इस क्रम में चपाल, जुड़नी, गुनी आदि क्षेत्रों में सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में सेमी राइफल का जिंदा कारतूस, छोटा पिस्टल का जिंदा कारतूस आदि भी बरामद की। लगातार हम लोग एंटी नक्सल ऑपरेशंस कैरी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट इंटेलिजेंस कलेक्शन और उसका वेरिफिकेशन, वो सारा चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। इसी टाइप हम लोग का एक इंटेलिजेंस मिला है और उसके ऑन बेसिस ऑफ वो इंटेलिजेंस के हम लोग एक सर्च ऑपरेशन किया है अंडर मोरेडा एसपी अभियान के नेतृत्व में, दीपक पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग सर्च ऑपरेशन में, इसमें सीआरपी और जेजे हमारा लोहरदगा जिला बल का सैट पदाधिकारी लोग वो सब इन्वॉल्व था और बेस्ड अपॉन वो इंटेलिजेंस हम लोग सर्च करने के टाइम में उसी दौरान ये हम लोग ये माओवादियों द्वारा ये उसका उधर हाइड किया हुआ है हम लोग का गोली आईईडी बम वो सब मिला। कौन सा दस्ता? हाँ, ये माओवादी रविंद्र गंजू का दस्ता है, उन लोग का द्वारा यूज दम किया हुआ सामान है। इसमें सेमी राइफल का जिंदा कारतूस 279 पीसेस, .315 का जिंदा कारतूस 110 पीसेस, छोटा पिस्टल का जिंदा कारतूस 32 पीसेस, आईईडी कैन बम 6 पीसेस, उसको उधर ही डिस्पोज किया था फॉर सेफ्टी पर्पसेस, और बड़ा स्टील कैन 2 पीसेस और एमसील और इलेक्ट्रिक वगैरह। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।